नमस्कार, न्यूज बाइस को देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त हम जामताड़ा के विधानसभा में मौजूद है। ये जो है ये बीजेपी कार्यालय। आपको बता दें कि ये जो आप हमारे पीछे कुछ लोगों को देख रहे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता थे, और इन्होंने आज जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और सीता सुरेन ने इन्हें आज बीजेपी ज्वाइन कराई है। और बीजेपी ज्वाइन कर इनके करने के पीछे का मकसद क्या है, ये भी हमें समझना होगा। इनका कहना है कि जो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, बीजेपी इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि सीता सुरेन के ऊपर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी इरफान अंसारी के द्वारा की गई थी, उसके बाद ये लोग आहत हुए थे। इनको लग रहा था कि आदिवासी समाज कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ रहा है, इसको इसके बाद इन लोग के मन में आया और उसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। और फिलहाल इनसे हम जानेंगे कि आखिर मेन मुद्दा क्या वास्तव में यही है या फिर कुछ और है। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? केशवा सोरेन जी, ये बताइए, आपने आज बीजेपी ज्वाइन की है, आप कांग्रेस के कर्मठ नेता भी थे, तो बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये जो है यहाँ के जामताड़ा विधानसभा के मंत्री, विधायक रहे और मंत्री भी झारखंड सरकार के, डॉक्टर इरफान अंसारी। तो जैसे कि हाल फिलहाल का जो है नामांकन के दिन में तो अभद्र बात को टिप्पणी जो किया है, हमारे बहन दीदी लगती है, मेरा हम भी केशवर सोरेन है तो वो भी सीता सोरेन है, मेरा जात, मेरा कष्ट, मेरा बहन है, जात है, मेरा समाज की है। अगर इस के ऊपर अगर अभद्र बात की टिप्पणी होती है और गाली देते हैं तो ये बात तो सहने का नहीं है कि हम क्यों रहें और इनके साथ क्यों रहें। कि समाज को अगर उल्लंघन करे, मेरा जात को क्या कोई उल्लंघन करे, मेरा समाज को क्या उल्लंघन करे, मैं और इससे क्या बोलूँगा कि इससे सर के चलते मैं जब बीजेपी में ज्वाइन किया, बीजेपी के परिवार में आए और मेरा दीदी अपना के साथ काम करूंगा और इन्हीं के साथ। अच्छा, कहा नारायणपुर से हैं आप? जी नारायणपुर से है, कहा जाता है भाई, मतलब वहाँ के जो बहुत सारे जो कोर वोटर हैं जो इरफान अंसारी के, तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार जब आप लोगों ने जिस तरह से बीजेपी ज्वाइन की है तो जो आपके आदिवासी समाज के लोग हैं वो जुड़ेंगे सीता सुरेन की ओर? गलती जो होता है बड़े या छोटे का, गलती ही होता है, चाहे मंत्री हो या विधायक हो, गलती का जो गलती करेगा, चाहे बड़े हो या छोटे हो, मंत्री हो या विधायक हो, उसको माफ तो नहीं किया जाएगा, उसका बदला आदिवासी समाज देगी, आदिवासी महिलाएं देगी, और जो आदिवासी मूलवासी जो आते हैं ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके चलते वोट जो है नारायणपुर का वो अपने आप समझने में आएगा, देखने को मिलेगा आने वाले दिन में, आने वाले चुनाव में जो है देखने को मिलेगा। क्या नाम है? मेरा राजमुनी मुर्मू। अच्छा, ये बताइए कि हमारी राष्ट्रपति भी मुर्मू से ही है, मुर्मू समाज से ही है, और क्या नाम है, आप भी मुर्मू समाज से है, कैसा लगता है, पहले तो हम ये जानेंगे, कैसा लगता है जब मुर्मू समाज का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा भयाद है, मेरा भयाद है, मेरा भाई है, गुरुजी दिशम गुरुजी है, वो मेरा पापा समान है, हेमंत सरन मेरा भाई समान है। ये जो सीता दीदी, अभी दीदी कहते हैं, इधर से तो मेरा हेमंत सोरेन तरफ से तो हमको भाभी लगता, अभी वो भी मुर्मू है, हम भी मुर्मू है, हम लोग तो दोनों बहन हो गए। अपना घर का बात है, आप अपना घर छोड़ कर के दूसरे घर तो नहीं जा सकते हैं, कहीं से जब हम आते हैं तो अपना घर जाति खोजेंगे और वहीं पे जाएंगे कि हमको भूख लगा है या प्यास लगा है, अपना मेरा बगल में अपना घर है, यही हम पी लेंगे, कि रात हो गया यही हम सोएंगे, दूसरे जात का घर तो नहीं जा सकते हैं। ये दीदी मेरा सीता सोरेन अपना बहन है, अपना दीदी है। जब नमन का जिस रोज होता था, थोड़ा मेरा तबीयत खराब है भैया, इसीलिए बोलने में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, सॉरी, माफ कीजिएगा। हाँ, तो हम सुने सोशल मीडिया में भी, मोबाइल में भी देखे हैं, जब दीदी का इतना खराब बर्ताव किया डॉक्टर इरफान अंसारी ने, इतना खराब भाषा बोला दीदी का, जब बोला
दीदी को जब बोला तो हमको दिल में चोट लगा, हमको दिल में चोट लगा तो पूरा आदिवासी महिला का दिल में चोट लगा। इरफान अंसारी को इन हम लोग सोच नहीं सकते थे, जान नहीं सकते थे, बहुत बहला फुसला के भला भला बोल करके उसका साथ हम लोग काम करते थे, उसका पार्टी में हम लोग ज्वाइन हो गए। अब छोड़ दिया पार्टी? अब पार्टी तो छोड़ दिए हम। दीदी का ये भाषा जब बोला बहुत दुख लगा, बहुत खराब लगा। इसके बाद पहले से भी हम लोग का आदिवासी का उतना मान इज्जत, जैसे मंत्री हुआ तो हम लोग का धीरे धीरे मान इज्जत सलमान खत्म कर दिया। फोन भी करते थे दुख सुख में, फोन भी रिसीव नहीं करता था। दुख का बाद जब जा करके बोलते थे हम 3 महीना से बीमार हैं, हम बोले भैया मेरा बीमार हो गया क्या होगा, कुछ तो आप हेल्प कर सकते हैं, आपका आदमी है। तो बोला ना अभी मेरा पास पैसा कौड़ी है ही नहीं, आप लोग अपना खेत बाड़ी बेचो और इलेक्शन से हमको लड़वाइए और जिताइए। ये कोई बोलने का बात होता है? आप थे इरफान, इरफान से कर दिए अब विधायक, विधायक से मंत्री कर दिए। आपका पास अगर पैसा नहीं है, जनता से मांग रहा है, कार्यकर्ता से मांग रहा है, यही अब यही इतना खराब बर्ताव कर रहे हैं आदिवासी से, फुसला बहला के वोट ले लिया और 150 रुपया का साड़ी दे देता है, कमल दे देता है। कौन दे देता है? डॉक्टर इरफान अंसारी आदिवासी को फुसलाता है। और अब जो है काम देने वाला, काम लेने वाला अपना जात को देता है, आदिवासी को नहीं देता। अच्छा, अब कैसे मतलब आदिवासी महिलाओं को कैसे आप लोग इकट्ठा करेंगे, एकजुट करेंगे? हम आदिवासी महिला को इकट्ठा एकजुट हम करेंगे, यही सब हम बोलेंगे। जे जब सीता दीदी है, ये तो गुरु जी का बड़े पुत्र है, तो इसीलिए बोलेंगे कि ये अपना जात है, अपना भयात है, सब कुछ है। हम लोग इसी का साथ रहेंगे, इसी का साथ काम करेंगे। अब आने वाला समय में क्या होगा नहीं होगा देखा जाएगा, अभी इतना बोल के अपना बात को विराम देते हैं। तो छोड़कर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और इनका कहना है कि जिस तरह से सीता सोरेन के ऊपर हमलावर हुए इरफान अंसारी और जो अभद्र टिप्पणी की उससे काफी आहत थे, यही नहीं आहत थे इनके जो जाति के लोग हैं वो भी आहत थे, सोरेन जाति के लोग, मुर्मू जाति के लोग भी आहत थे, इसलिए जो है आदिवासी समाज के लोग इससे काफी आहत हुए हैं और अब जो है आदिवासी समाज के लोग जाग गए हैं और ये लोग जो है इनका कहना है कि ये लोग अब आदिवासी समाज के बीच में जाएंगे और सीता सोरेन के लिए कैंपेनिंग करेंगे। तो मैं इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइट्स को। नमस्कार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। बिहार के शीर्ष नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, ITO मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन।